हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी इंस्पेक्शन पर। सो आज हम बात करने वाले हैं सब टीवी के उन शोज की जो दर्शकों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है। अब जैसा कि इसका पता उनकी टीआरपी से चलता है, अब मैं पॉपुलर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सब टीवी पर प्रेजेंट टाइम कोई भी ऐसा शो नहीं है जिसकी टीआरपी 0.5 से कम हो। इस टाइम सब टीवी पर चल रहे सभी शो सोनी टीवी की अपेक्षा काफी जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो सालों से चली आ रही तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसा मजेदार कॉमेडी एंड ड्रामा शो हो या पुष्पा इम्पॉसिबल की प्रेरणादायक कहानी। हम बताएंगे आपको इन शोज की टीआरपी के आधार पर कौन सा शो सबसे आगे है और कौन किससे पीछे। सबसे पहले बात करते हैं उस शो की जो सालों से लोगों के दिलों पर राज कर रहा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसकी टीआरपी 1.7। इस कॉमेडी शो ने अपनी हल्की फुल्की हंस और जीवन के छोटे बड़े मुद्दों को अनोखे अंदाज में पेश कर दर्शकों को खूब हंसाया है और आज ये शो सब टीवी पर 15 साल प्लस कंप्लीट कर चुका है। इसके बाद बारी आती है वागले की दुनिया की, जिसकी वीक 34 में टीआरपी आई 0.9 और इसके बाद आया है पुष्पा इम्पॉसिबल जिसकी टीआरपी 0.8। वागले की दुनिया जहां अपने साधारण जीवन की कहानियों से लोगों का दिल जीत रहा है, वही पुष्पा इम्पॉसिबल की प्रेरणादायक कहानी लोगों को आगे बढ़ने में हिम्मत दे रही है। इसके बाद नाम आता है गाइस श्रीमद् रामायण का, जिसकी टीआरपी आई है 0.7। यह पौराणिक शो भगवान श्री राम की मां गाथा को एक बार फिर से जीवंत कर रहा है और दर्शकों को अपने धार्मिक कंटेंट और भव्य दृश्यों से बांधे रखता है। अब बात करते हैं दोस्तों उस शो की जिसने पिछले एक साल से दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई है। शो का नाम है गाइस वंशज। इसकी टीआरपी इस समय 0.6 है, लेकिन यह शो ऐसे ही खास नहीं है। एक फैन के अनुसार हिट्स ऑफ वंशज आइकॉनिक शो ऑफ इंडियन टेलीविजन। कपूर कभी ऐसा कंसेप्ट सोच भी नहीं सकती। एंड अकॉर्डिंग टू ए अदर फैन, पहली बार ऐसा शो देखा है सास बहु ड्रामा सोच के दिन गए, दिल जीत लिया वंशज की कहानी ने। अगर आप टीवी पर कुछ अलग और बेहतरीन देखना चाहते हैं तो ये शो आपके लिए सिर्फ बढ़िया नहीं बल्कि एक बहुत ही बढ़िया विकल्प होगा। एक और बढ़िया बात, इस शो के अंदर आप कुछ भी मिस नहीं करोगे, चाहे वो लव स्टोरी हो, एक्शन हो, कॉमेडी हो या फिर ड्रामा। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी 3-3 घंटे की फिल्में ये शो सिर्फ एक ही एपिसोड में डालकर दिखा देता है। वंशज ने अपनी अनोखी कहानी और दमदार परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों को जीत लिया है और इसे और ज्यादा प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। अब देखिए, इस तरह के शो टीवी पर बहुत कम आते हैं। इस शो की ओपनिंग यानी कि शुरुआती 100 एपिसोड से टीआरपी 0.8 के करीब रही, फिर उसके बाद 0.7 और अब है 0.6। तो अगर इससे भी कम हुई तो डेफिनेटली शो को ऑफ एयर करना पड़ेगा। अगर सपोर्ट ही करना है तो ऐसे शोज को कीजिए ताकि इसकी टीआरपी फिर से बढ़ सके। अंत में बात करते हैं उस शो की जिसकी फर्स्ट वीक में टीआरपी आई थी 0.6, अब इस हफ्ते उसकी टीआरपी आई है 0.5। शो का नाम है गाइस बादल पे पांव है। एक बेहतरीन यानी कि 8 बजे का टाइम स्लॉट मिलने के बावजूद भी शो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। 8 बजे का टाइम स्लॉट इस शो को दिया गया है तो इसका मतलब बजट भी काफी ज्यादा होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये शो एक या फिर 2 महीने बाद ही बंद कर दिया जाएगा। तो गाइस ये थी सब टीवी के कुछ लोकप्रिय शो की वर्तमान टीआरपी रेटिंग्स। वैसे आपका पसंदीदा शो कौन सा है हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आपके पसंदीदा टीवी शोज के बारे में और भी अपडेट्स मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।